प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित। कहा सरकार के सुधारों ने खोला अवसरों का पिटारा। बायोगैस को लेकर तेजपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कल चेन्नई स्थित केंद्रीय ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर संस्थान के मुट्टुकाडू प्रायोगिक सुविधाओं का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने CIBA हैचरी द्वारा उत्पादित मछली बीज मछुआरों को सौंपे। मॉडल फिशिंग विलेज के बारे में बोलते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मछुआरों के कल्याण के लिए हैं प्रतिबद्ध। सरकार और किसानों के बीच हो रही है अगले दौर की वार्ता। 3 कृषि सुधार कानूनों पर अमल से 1 से 1.5 साल तक टालने के सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने किया नामंजूर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में MSP पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 23.70% की वृद्धि। और दिल्ली और NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह भी कोहरे की घनी चादर छाई रही। पंजाब के अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। पाले से बचने के लिए किसान अपनी फसलों की करते रहें हल्की सिंचाई। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदी मंसारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों से क्षेत्र और देश के विकास के लिए अपने कौशल और नवाचारों का उपयोग करने की अपील की। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपुर में रहते हुए तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है वो असम की प्रगति को, देश की प्रगति को गति देगा, नई ऊंचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वजह भी है। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान, इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर यहाँ के लोगों, यहाँ के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं देश का भी अटूट विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि तेजपुर के युवा असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पूर्वी भारत की क्षमता पर, उनके राष्ट्र निर्माण के प्रयासों पर मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र के लिए कई नए अवसर भी मुहैया कराए हैं। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान
अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बायोगैस को लेकर तेजपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। गांवों में वेस्ट एनर्जी, कचरे से कंचन, इसमें बदलने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है। फसलों के अवशेष हमारे किसानों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़ी एक सस्ती और प्रभावी टेक्नोलॉजी को, उसको लेकर जो काम आप अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन पहुंचे और किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है। इससे पहले हुई बैठक में सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया था कि तीनों कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस बीच गुरुवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने देश के 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राय जानी। इस बीच 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर असमंजस बना हुआ है और किसानों और पुलिस के बीच बातचीत में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है, कितनी उम्मीदें हैं कि इस बातचीत के माध्यम से किसान सरकार की बातचीत सुने और ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो? जी नदीम, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 12 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीएस गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के अलावा केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ जो आंदोलनकारी किसान संगठन है उनकी बैठक शुरू हुई है। ये बैठक चल रही है अभी फिलहाल। बैठक में जो कल का जो एजेंडा था, किसानों की तरफ से जो सरकार ने ऑफर दिया था, उस पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिलने के बाद सरकार इस मसले को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के साथ किसानों को जो शंकाएं हैं उनको दूर कराने के लिए अपना प्रयास कर रही है कि ये जो कृषि सुधार कानून है, अगर आप चाहेंगे तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या इससे ज्यादा 2 साल तक भी इनको होल्ड अपन कर सकते हैं और एक संयुक्त कमेटी का गठन करके वार्ता के टेबल को आगे बढ़ाया जा सकता है। नदी, मैं आपको बता दूं, कल जब 2 बजे किसान संगठनों की बैठक हुई थी सिंगू बॉर्डर पर, तो 6 बजे तक ये बैठक चल रही थी। तो इस बैठक में अधिकांश किसान संगठनों का ये मानना था कि सरकार खुले दिल से वार्ता कर रही है, सार्थक चर्चा करना चाह रही है, तो क्यों ना हमें सरकार के इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ विभिन्न विचारधाराओं के जो संगठन से जुड़े लोग थे वो इस ऑफर को ठुकराने के साथ साथ इस वार्ता को विफल करने की कोशिश करते, इस वजह से मिली जुली प्रतिक्रिया रही और ये वार्ता सकारात्मक रुकी और नहीं बढ़ी। लेकिन आज उम्मीद है सरकार अपना पक्ष रख रही है और इनको समझाने का प्रयास करिए कि किसानों की तरक्की और किसानों का जो लाभ है इन कृषि सुधार कानूनों में है, लेकिन कोई संशोधन है तो संशोधन भी हम बैठ के कर सकते हैं और उसके लिए समय चाहिए। इसलिए सरकार ने इन कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड करके एक नई कमेटी आपस में किसान और सरकार की तरफ से बना के सकारात्मक हल निकालने की पहल की है। जी ओपी, बिल्कुल लगातार चर्चा जारी है और 11वें दौर की बातचीत इस बात की तस्दीक करती है कि लगातार दोनों तरफ से वार्ता हो रही है और इसका कोई ना कोई हल निकालने को लेकर सरकार गंभीर है। ओपी, अगर ट्रैक्टर रैली की बात की जाए तो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी दिल्ली पुलिस के बातचीत के बावजूद अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ओपी जी नदीम, आपने जो सवाल पूछा मैं बताना चाहता हूँ कि 2 बार दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त एसएस यादव और एक डीसीपी स्तर के अधिकारी की किसान संगठनों के साथ संवाद हुआ। कल भी सुबह 11:30 बजे इनकी बातचीत हुई, उससे पहले 2 दिन पहले भी हुई। किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो 26 जनवरी पर
जो रिंग रोड है उस पर अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पे एक तरह से ट्रैक्टर रैली निकालना चाह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पे इसको मैनेज करना शुरू किया और किसानों को समझाना शुरू किया कि जो राष्ट्रीय पर्व है उसकी अस्मिता और राष्ट्रीय संदर्भ में इस तरह की कोई भी अनुचित कार्रवाई करने के बजाय हमें सरकारी जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस देश का दिवस है, इसको मनाने में सहयोग करना चाहिए, न कि किसी तरह का व्यवधान हमें खड़ा करना चाहिए। तो कल भी वार्ता हुई, उसमें जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से किसानों को यही समझाने का प्रयास किया गया कि ये रिपब्लिक डे का जो महत्व है इसको आप समझिए और इस तरह के जो आंदोलन से जुड़े मसले को इस गणतंत्र दिवस से जोड़कर कतई न देखें। तो दूसरे दो की वार्ता हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से उनको पुलिस की तरफ से समझाया जाएगा और एक बीच का रास्ता निकाल के किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो रैली निकालना चाह रहे हैं, उनको भी रोका जा सके और उनकी जो हट धर्मिता उसको भी प्रभावित न हो और उसमें भी उनको ईगो न हो, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। ओपी, आपसे अंतिम सवाल, लगातार जो किसानों की मांग रही है कि इस तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, सरकार एक से लेकर डेढ़ साल तक इन्हें स्थगित करने के पक्ष में है, ऐसे में अब जबकि 11वें दौर की वार्ता हो रही है तो किस तरह से किसानों की तरफ से सरकार को आश्वासन मिल सकता है कि 26 जनवरी को जो एक गणतंत्र दिवस है, देश का एक महापर्व है, वो शांतिपूर्वक तरीके से निपटे और किसी तरह के व्यवधान उसमें ना आए। जी नदी, मैं आपको बता दूं, कल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के जो तीन सदस्य थे, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद जोशी, इन तीनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 8 राज्यों के जो किसान संगठन है, 10 किसान संगठन है, उनसे बात की और कम से कम 50 से भी अधिक लोगों से संवाद हुआ। तो सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि पैरेलल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी इस पर अपना कार्य कर रही है, आप लोग हमसे अगर संतुष्ट नहीं है तो अपनी बातें कमेटी को समझाएं, कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें, लेकिन इस तरह के जो आंदोलन है इनको रोके, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बच्चे इस आंदोलन में जुड़े हैं, पहले सर्दी का दौर था, अभी कोविड का दौर भी है, तो इन तरह की जो स्थिति है उसमें सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह किसी को परेशानी हो और उम्मीद है कि आज जो वार्ता की टेबल है इस पर सरकार इनको अच्छे तरीके से समझाएगी और उनका जो पक्ष है उसको संतुष्ट करके जो उनका आंदोलन है उसको समाप्त करने की कोशिश करेगी, ताकि गणतंत्र दिवस भी अच्छे से मनाया जा सके, किसान अपने घर जाएं और शांति से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा सके बिना किसी व्यवधान के। जी ओपी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कल चेन्नई स्थित केंद्रीय ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर संस्थान के मुट्टुकाडू प्रायोगिक सुविधाओं का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय समुद्री मछुआरों को स्थायी आजीविका और पर्यटन में भागीदारी के रूप में जोड़ने के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने CIBA हैचरी द्वारा उत्पादित मछली बीज मछुआरों को सौंपे। उन्होंने तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ मत्स्य स्वयं सहायता समूह पुरस्कार 2020 और सर्वश्रेष्ठ मत्स्य उद्यम पुरस्कार 2020 भी विजेताओं को प्रदान किए। मत्स्य उद्यम पुरस्कार राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। मॉडल फिशिंग विलेज के बारे में बोलते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मछुआरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमिटेड फॉर फिशरमैन, we have started a model village of fishermen, so big program of our village, modern village program। और अब बात करते हैं मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह भी कोहरे की घनी चादर छाई रही। पंजाब के अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से दृश्यता कई इलाकों में 25 मीटर से भी कम रही। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे की वजह से सड़कों पर अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 24 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में 23 जनवरी को बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ सक्रिय है। उसकी वजह से उत्तर भारत में बूंदाबांदी या हल्की बारिश से फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल तक 24 जनवरी को 2 से 4 डिग्री तक तापमान में कमी आने की भी संभावना जताई गई है। 25 और 26 जनवरी को भी धुंध छा सकती है। किसानों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी फसलों की हल्की सिंचाई करते रहें ताकि पाले से उनकी फसल सुरक्षित रह सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को नौकरी की जगह स्टार्टअप शुरू करने की सलाह देते हुए देश के युवाओं को उद्यमशील बनाने की अपील की है। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान देश में नए स्टार्टअप को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया गया। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान देश में नए स्टार्टअप को विकसित करने में मदद करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया। प्रधानमंत्री की इस पहल से देश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होने के रास्ते साफ होंगे, वहीं उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। प्रधानमंत्री की इस पहल का देश भर में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों ने खुले मन से स्वागत किया और इसे नए भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री जी की जो भी बातें उन्होंने कही, उनकी कमिटमेंट स्टार्टअप की तरफ से इतनी ज़्यादा है, उससे सब स्टार्टअप को बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो स्टार्टअप इनिशिएटिव किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव, ये हमारे को हेल्प करेगा जो सेल्फ रिलायंट भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत है, और ये हमें कोने कोने में वर्ल्ड में ले जाएगा। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। छोटे छोटे शहरों में, टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में भी अब स्टार्टअप्स ने आना शुरू कर दिया। इससे बड़ा मोटिवेशन इनकरेजमेंट मिलता है जो आने वाले समय में नई पीढ़ी को आगे कुछ इनोवेशन, चाहे रूरल पॉपुलेशन से हो चाहे अर्बन पॉपुलेशन से हो, इसको दोनों को प्रोत्साहन, बहुत मोटिवेशन। और इन्होंने जो फंड अलॉट कराया नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1,000 करोड़, बहुत मायने रखता है। इनके जो इनिशिएटिव्स है, इससे काफ़ी मदद होगी क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी स्टार्टअप्स हैं। मुझे लगता है इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इस पेंडेमिक का पड़ा है वो पड़ा है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे, होटल्स इंडस्ट्री एंड टूरिज्म पे। तो इसका इससे जो यूथ है जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी थोड़े से डीमोटिवेट हो रखे थे, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि गवर्नमेंट हमारे सेक्टर के लिए कुछ कर रही है। इसका बेनिफिट सारे ही सेक्टर्स में हो सकता है। ड्रोन सेक्टर में तो खासकर इसका बेनिफिट हो सकता है क्योंकि इंडिया में ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो इंडिया में अलग अलग तरह की यूज़ केसेस हैं ड्रोन्स के। एग्रीकल्चर में यूज़ केस है, माइनिंग में यूज़ केस है, फॉरेस्ट में यूज़ केस है। इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा हमारे रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को, नेचर टूरिज़्म को और इको टूरिज़्म को। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। देश में 41,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें आईटी क्षेत्र में लगभग 5,700 स्टार्टअप, स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,600 और कृषि में 1,700 स्टार्टअप काम में लगे हुए हैं। जिस समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ तैयार हों। देश के युवाओं को स्वरोजगार कर अपना व्यापार और कारोबार करने के मामले में इंडिया इंटरनेशनल जैसे कॉन्क्लेव न केवल मददगार साबित होंगे बल्कि भविष्य में उनकी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित कर उन्हें उद्यमशील बनाने में भी मददगार साबित होंगे। मेरे स्वागत कैमरा में राकेश कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। हर कोई चाहता है कि उसका गांव मॉडल गांव बने और गांव में सारी सुविधाएं भी मौजूद हो। वैसे देश भर में कई ऐसे गांव हैं जो मॉडल गांव हैं और वहां सारी सुविधाएं भी हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के गांव भी मॉडल गांव का रूप लेंगे और सभी तरह की सुविधाओं से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल गांव में सबसे अधिक फोकस रोजगार और शिक्षा पर दिया जाएगा। मॉडल गांव के इसी कंसेप्ट को लेकर हमारे संवाददाता संतोष चौधरी ने बात की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हीरालाल से। किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन प्रयासों में एक बेहद ज़रूरी अहम मुद्दा ये भी है कि जब तक देश के जो गांव हैं वो मॉडल गांव नहीं बनेंगे
तब तक वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होगा। इसीलिए मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हीरालाल जी। मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँवों में वो ले जाएंगे इसको लेकर हम बात करते हैं। किसानों की भूमिका कितनी अहम होगी, क्या किसानों को उनकी जो आय भी बढ़ेगी और ख़ास तौर से युवाओं जो गाँव के युवा हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? हम उन्हें इम्पावर करने जा रहे हैं। हमारा इसमें कहना ये है कि हम उनको नॉलेज देंगे, हम उनको नॉलेज से कनेक्ट करेंगे और वो नॉलेज इज पावर, थ्रू नॉलेज इम्पावर करके हम गांव को मॉडल गांव बनाएंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 है डेवलपमेंट ऑफ चेंज मेकर, सेलेक्शन ऑफ चेंज मेकर एंड डेवलपमेंट ऑफ चेंज मेकर, एंड पार्ट 3 है FPC, जिसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या सभी सरकारें बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही हैं, ये इसका पार्ट 3 है। तो हम लोगों ने इसको बड़े ही सिंपल तरीके से 3 भागों में बांट करके इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। रोज़गार कितना बढ़ा पाएंगे, क्योंकि रोज़गार रहेगा लोगों के पास तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो रोज़गार को लेकर ये मॉडल गाँव कितना आगे बढ़ा पाएगा लोगों को? देखिए, ऐसा है कि गाँव की लाचारी, बेरोजगारी को दूर करना ही इसका मकसद है। और अभी हम लोगों ने इस कोरोना में देखा कि जो देश विदेश या कहीं भी गांव छोड़ के गए थे उनको शरण कहां, गांव में ही मिली। तो ये बात साबित हो गया है कि गांव का विकास के बिना हम विकसित देश होने का जो सपना देख रहे हैं वो संभव नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो जो हमारा इसका पार्ट 3 है FPC, वह है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। गांव के लोग मिल करके अपनी कंपनी बनाएंगे और उसको चलाएंगे, और चलाने के लिए उसी गांव के जो अच्छे लोग हैं उनको चेंज मेकर के रूप में हम लोग तैयार करेंगे और वो उसमें एक लीडिंग भूमिका के अदा करेंगे। और गांव में विकास किन किन मुद्दों पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये 25 पॉइंट का चार्टर है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो विलेज मैनिफेस्टो है। आपके इस मॉडल गांव कॉन्सेप्ट में महिलाएं कितना सशक्त हो पाएंगी, उनके लिए क्या संभावनाएं निकल के आएंगी? देखिए, हम आपको बताएं कि जो NRLM की स्कीम है, उस वहाँ NRLM की स्कीम में हम गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं, एक ग्रुप में मिनिमम 10 महिला होती है और उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं, उनकी हीच दूर करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, डिफरेंट तरह पे एक्सपोजर विजिट में ले जाते हैं। तो जो NRLM की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें रखा है कि उनका जो स्किल है उसको भी हम इसमें यूज करेंगे और महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए जो NRLM के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल हैं और जो स्टेट के ऑफिशियल हैं उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया, उनका नंबर लिया, उनसे बात भी करेंगे और उनको इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग गाँव में पहुँचेंगे और उस गाँव का जो स्थिति होगी उसमें बदलाव होगा। सबसे खास बात यह है कि वहाँ के जो युवा हैं वो इसके भागीदार बनेंगे, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, खेती को नए तरीके से किया जाएगा और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। संतोष चौधरी, DD न्यूज़, दिल्ली। और कृषि मंत्रालय ने जारी किया खरीफ MSP संचालन। सरकार किसानों से लगभग 81.14 लाख धन किसानों को अब तक लाभ पहुंचा चुका है। अभी तक MSP मूल्य से किसानों को 10 लाख, सरकार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद की जा रही है। कृषि मंत्रालय ने जारी किया खरीफ MSP संचालन। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, इनके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 572.32 से अधिक खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष की 462.66
LMT की खरीद के मुकाबले 23.70% की वृद्धि दर्ज की गई है। दलहन और तिलहन की 51.66 LMT की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्यों के लिए कोपरा यानी बारहमासी फसल के 1.23 LMT की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए दलहन तिलहन के 2.50 LMT की खरीद को स्वीकृति मिल चुकी है। अन्य राज्यों के लिए PSS के तहत दलहन तिलहन खरीद पर भी मंजूरी दी जाएगी। कृषि मंत्रालय ने जारी किया खरीफ MSP का संचालन ताकि इन फसलों को के FQ ग्रेड की खरीद को अधिसूचित MSP से सीधे पंजीकृत किया जा सके। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित। कहा सरकार के सुधारों ने खोला अवसरों का पिटारा। बायोगैस को लेकर तेजपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कल चेन्नई स्थित केंद्रीय ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर संस्थान के मुट्टुकाडू प्रायोगिक सुविधाओं का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने CIBA हैचरी द्वारा उत्पादित मछली बीज मछुआरों को सौंपे। मॉडल फिशिंग विलेज के बाहर में बोलते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मछुआरों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध। सरकार और किसानों के बीच हो रही अगले दौर की वार्ता। 3 कृषि सुधार कानूनों पर अमल को 1 से 1.5 साल तक टालने के सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने किया नामंजूर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में MSP पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 23.70% की वृद्धि। और दिल्ली और NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह भी कोहरे की घनी चादर छाई। पंजाब के अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए। पाले से बचाने के लिए किसान अपनी फसलों की करते रहे हल्की सिंचाई। और किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।